Let's start. क्वेश्चन पेपर खोलो. इसमें देखो, वी हैव जस्ट आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन पेपर. ठीक है, तो इसमें एज आई वॉज डिस्कसिंग लास्ट क्लास की अब हम लोग को एक ही स्प्रेडशीट मिलता है, उसी में वी हैव डिफरेंट शीट जिसमें हम लोग को करना होता है. सो यू ऑल कैन ओपन दिस स्प्रेडशीट. दिस इज द क्वेश्चन स्प्रेडशीट. ठीक है, देखो दिस इज हाउ यू विल गेट योर क्वेश्चन स्प्रेडशीट इन एग्जाम. लेट्स ओपन द क्वेश्चन पेपर. कितने क्वेश्चंस हैं? ठीक तो दोनों अराउंड वही 50-50 मार्क्स का है. टुडे वी विल बी सॉल्विंग दिस अ लिटिल फास्टर देन यस्टरडे. कल हमें बहुत टाइम लगा था. कल फर्स्ट पेपर था, आज सेकेंड पेपर है. तो आप लोग एक अप्रोच धीरे धीरे समझ में आ रहा है. सो मेक इट वेरी फास्ट एंड देखो कि अगर आप बाकी क्लास से स्लो हो तो व्हाट इज द रीजन कि आप स्लो हो. आप लोग को प्रैक्टिस करके उस चीज को इम्प्रूव करना होगा. ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. अ कंपनी ऑफर्स अ लाइफ अश्योरेंस पॉलिसी दैट पेज अ लमसम ऑफ 1 लाख ऑन द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय बिफोर एज 60. द बेनिफिट इज पेबल एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर ऑफ डेथ इन एडिशन. सो द एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ डेथ है. एनुइटी ऑफ 5,000 पर एनम इज पेड टू अ नॉमिनेटेड डिपेंडेंट ऑफ द लाइफ अश्योर्ड. मतलब जो लाइफ अश्योर्ड मरेगा उसको डेथ बेनिफिट मिलेगा एंड उसका जो डिपेंडेंट है, जो भी नॉमिनी है वट एवर, विल गेट अ 5,000 का एनुइटी. मतलब एवरी ईयर 5,000 मिलेगा, ऑब्वियसली जब तक वो नहीं मरे. द फर्स्ट पेमेंट विल बी मेड एट द सेम टाइम एज द लमसम डेथ बेनिफिट एंड कंटिन्यूज एनुअली सीजिंग व्हेन द डिपेंडेंट रीचेस द एज ऑफ 60 और एग्जैक्ट और अर्लियर डेथ. तो बेसिकली जो डिपेंडेंट है, ऑब्वियसली अ लाइफ विच इज स्मॉलर इन एज, तो उसको 5,000 मिलना स्टार्ट होगा कब से? जब डेथ बेनिफिट मिलेगा तभी वो 5,000 भी उसको मिलेगा एंड एवरी ईयर मिलेगा जब तक उसका एज 60 ना हो जाए या फिर. करेक्ट, इट एस्टिमेट्स द मोर्टैलिटी एक्सपीरियंस ऑफ इट्स एम्प्लॉइज बाई यूजिंग मोर्टैलिटी टेबल्स गिवन इन द आंसर शीट. कैलकुलेट फॉर अ मेल लाइफ एज 35 एग्जैक्ट एज द लाइफ अश्योर्ड एंड विद अ फीमेल लाइफ एग्जैक्ट फीमेल लाइफ एज 30 एग्जैक्ट एज द डिपेंडेंट. तो मेल लाइफ इज 35, फीमेल जो डिपेंडेंट है इज 30, यूजिंग द मोर्टैलिटी टेबल प्रोवाइडेड एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम. क्या क्या निकालना है? ईपीवी ऑफ लमसम बेनिफिट एंड ईपीवी ऑफ द डिपेंडेंस एनुइटी बेनिफिट. दोनों का अपने को ईपीवी निकालना है. किसका? डेथ बेनिफिट का एंड अपना एनुइटी का. स्टार्ट करो, कैसे करेंगे? सो इफ यू ओपन द स्प्रेडशीट दैट वी हैव, दिस इज द लाइफ टेबल गिवन. मेल्स का एंड फीमेल्स का अलग अलग दिया हुआ है. फर्स्ट शीट में दे हैव ऑलरेडी गिवन दीज कॉलम हेडिंग्स. नाउ हो सकता है आपके एग्जाम में दे माइट गिव यू दिस और दे मे नॉट गिव यू दिस. इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा ये आपको मिले इन योर एग्जाम. ठीक है, हो सकता है आपको ये नहीं भी मिले. राइट, सो चलो इसको स्टार्ट करो सॉल्व करना खुद से. कॉलम हेडिंग है तो एटलीस्ट थोड़ा अप्लाई योर ब्रेन एंड स्टार्ट सॉल्विंग. सबसे पहले तो देखो इन्होंने ये लिख दिया है. क्या गिरा नीचे देखो ना एक बार. देखो
ठीक है, तो सबसे पहले एज, मेल का एज कहाँ से स्टार्ट होगा? 35 गिवन है, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 35 से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 35, 36 एंड सो ऑन. ये ऐसा क्यों हो गया? इसको आई ड्रैग कब तक? क्यों 60? किसका? बिफोर बिफोर एज 60 लिखा हुआ है, सो यू विल गो अप टिल 60, 60 की 61. एट द एंड ऑफ योर ऑफ डेथ है तो ऑब्वियसली 60 की 61, ठीक है. नेक्स्ट करूं, अगर हम 60 ले रहे हैं, ठीक है, आप लिख सकते हो एनीवेज, यू जस्ट यहाँ पे हम क्यू एक्स एंड पी एक्स का वैल्यू ले रहे हैं, बट हम लोग को क्यू 60 से मतलब है नहीं, क्यू 59 से मतलब है, ठीक है. तो आइदर यू कैन यूज अ वी लुकअप यहाँ पे टू एक्सट्रैक्ट क्यू एक्स, और यू कैन जस्ट स्ट्रेट अवे गो एंड लिंक इट टू दिस, इट्स ऑन योर विश. ऐसे भी आप कर सकते हो, लिंक कर दिया एंड देन जस्ट ड्रैग, और यू कैन यूज वी लुकअप. फीमेल का कहाँ से स्टार्ट होगा? 30 दिया हुआ एज है 30, तो 30 से लोगे एंड दिस विल गो अप टिल अगेन 60, ठीक है, तो ऑब्वियसली उससे 5 साल ज्यादा तक हम लेंगे. अगेन 60 इज नॉट रिक्वायर्ड बट यू कैन टेक इट, क्योंकि क्यू 60 से मतलब नहीं है, 60 61 के बीच में मरे जिए हमें मतलब नहीं है, ठीक है. अगेन आप जाके यहाँ पे क्या ले लोगे, इसका एज आप ले लोगे, क्या लोगे, 30, ठीक है, ये हो गया. नाउ फर्स्ट लेट अस डिस्कस, एक एक करके कॉपी पेस्टिंग वर्क नहीं करना है. पहले बात तो पॉलिसी और दिया हुआ है विच विल गो फ्रॉम 1 टू, कितना पॉलिसी साल है अभी, वो कितने का है? 35 का है. अप टिल कब तक जाएगा पॉलिसी ईयर्स? वो जब तक 60 का होगा विच इज 25 ईयर्स, बट व्हाट अबाउट प्लस 5 ईयर्स मोर फॉर द फीमेल, तो 30 ईयर्स तक जाएगा आइडियली, है ना. तो क्लियर है क्यों 30 ईयर्स तक जाएगा. आफ्टर दैट आपको बोला है प्रोबेबिलिटी दैट द मेल लाइफ इज अलाइव, क्योंकि अगर मेल लाइफ अलाइव है इट्स लाइक क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं, ध्यान से सुनना, एज 37 पे, एज 37 पे उसको डेथ बेनिफिट मिल रहा है, मतलब वो 36 तक जिंदा था, 36 से 37 के बीच में मर गया. सो 1p 35 एंड 1q 36, दैट इज वॉट यू आर कैलकुलेटिंग. सो यू नीड दैट 1p 35, 2p 35, 3p 35, 4p 35, आपको वो चाहिए ना. तो आपको आइडियली यहाँ पे क्या चाहिए, आपको आइडियली चाहिए TP 35 चाहिए यहाँ पे आपको फॉर द मेल लाइफ. सिमिलरली आपको फीमेल लाइफ का भी चाहिए सेम चीज. तो यहाँ एक काम करो, यहाँ यू कैन राइट मेल एंड यहाँ यू कैन राइट फीमेल, ठीक है. सो बेस ये 30 हो जाएगा, ये आई विल मेक दिस एज 30. तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि फीमेल लाइफ जिंदा होनी चाहिए, राइट? फीमेल लाइफ जिंदा होनी चाहिए. मेल लाइफ का फिर अपने देखो डेड प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, विच इज 1 माइनस दिस TP 35, दैट द फीमेल दैट द मेल लाइफ इज डाइंग इन दैट पर्टिकुलर. मतलब अगर हम लोग निकालते हैं 3PX, 3P 35 की 3 साल जिंदा रहने का प्रोबेबिलिटी, तो मरने का क्या हो जाएगा, 1 माइनस, ठीक है. उसके बाद सिमिलरली अब देखो यहाँ लिखा है मेल लाइफ डाइज इन दैट ईयर, मेल लाइफ डाइज इन ईयर का मतलब मेल लाइफ विल डाई इन दैट पर्टिकुलर ईयर, विच इज अगेन व्हाट. अगर हम लेते हैं ध्यान से सुनना, 37 पे उसको बेनिफिट मिलेगा, मतलब इट विल बी व्हाट, अगर आप 37 पे खड़े हो एंड योर पॉलिसी ईयर, लेट्स सपोज हम ले लेते हैं, डेसिमल्स नहीं चाहिए मुझे, ठीक है. तो ये आपका चला जाएगा 31 तक, नहीं जाना चाहिए 30 लिखिए, 31 हटा देना, ओके. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले योर 3 पे उसको लमसम पेमेंट मिल रहा है, मतलब 2P 35 2 साल जिंदा रहा, एज पूरा 35, एज पूरा 36, एंड देन 36 एंड 37 के बीच में मर गया. सो व्हाट आर यू ट्राइंग टू फाइंड ओवर हियर? यू आर ट्राइंग टू फाइंड T माइनस 1
35 इंटू क्यू क्या होगा? 35 प्लस टी, अरे तुम टी ले लो ना, टी इज दिस 3, सो 2p 35, दो साल जिंदा रहा, 35 से 36, 36 से 37, सॉरी 35 से 36, हम कर रहे हैं, हाँ 36 से 37, क्योंकि अगर 37 हम ले रहे हैं तो वो 37 एंड 8 के, हाँ एंड दैट विल नाउ बी क्यू 37, ठीक है, उसको अगर ईयर 3 में मिल रहा है तो ईयर 3, अंडरस्टूड? ईयर 3 का क्या मतलब हुआ, ईयर 1 कौन सा हुआ, 35 से 36 वाला ईयर, ईयर 2 हुआ 36 से 37, एंड 37 से 38 विल बी योर ईयर 3, तो ईयर 3 में मरने के लिए उसको 2 साल जिंदा रहना होगा, फिर उसको थर्ड ईयर में मरना होगा, तो उसका ये प्रोबेबिलिटी है, व्हिच वी मल्टीप्लाई विद द लंप सम एंड विद द डिस्काउंटिंग फैक्टर टू कैलकुलेट द ईपीवी, ठीक है, डिस्काउंटिंग फैक्टर 5% पे अपने नॉर्मली जैसे निकालते हैं वो निकालेंगे, ईपीवी ऑफ लमसम क्या हो जाएगा, ईपीवी ऑफ लमसम विल बी वही दिस प्रोबेबिलिटी इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर इनटू 1 लाख, एंड ईपीवी ऑफ एन्युइटी क्या हो जाएगा, गिवन कि मेल मर चुका है इसीलिए हम लोग ये निकाल रहे हैं, ये क्यों निकाल रहे हैं, टू कैलकुलेट दिस, गिवन कि मेल मर चुका है, फीमेल जिंदा है एंड उसको एन्युइटी मिल रहा है, ठीक है, अंडरस्टूड, ये कैसे निकलेगा, चलो उसको सॉल्व करते हैं एक एक करके, लेट्स स्टार्ट विद दिस, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बार देख लो, पहले देख लो व्हाट आई एम डूइंग एंड देन आई विल गिव यू ऑल टाइम टू कंप्लीट दिस, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस क्यू 35, ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या होगा, ऊपर वाला इंटू 1 माइनस दिस क्यू 36, ठीक है, एक बार देख लो, मत पूछना कि मैम फिर से ये फॉर्मूला दिखाइए, एक बार देख लो, ठीक है, ये हो गया, इसको हम कर देंगे नीचे ड्रैग एंड इसको मैं कर दूंगी कोई भी कलर से हाईलाइट, ठीक है, देन योर टीपी 30, व्हाट इज योर टीपी 30, अगेन द सेम थिंग, ठीक है, सो व्हाट वी कैन, नहीं वो फॉर्मूला हम लोग ड्रैग नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा एंड दिस इज अगेन दिस इंटू 1 माइनस दिस, आई विल गिव यू ऑल टाइम, सो डोंट हरी, ठीक है, हरी एग्जाम में दिखाना, तो यहाँ पे ये हो गया अपना, एंड देन नेक्स्ट वी हैव दैट द मेल लाइफ इज डेड विच इज नथिंग बट 1 माइनस दिस, कि इसका क्या मतलब है पता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग 1 माइनस 3p 35, कि वो कोई भी 3 साल में मर चुका है, 1 माइनस 3p 35 मतलब 3q 35 निकाल रहे हो, मतलब 35 साल का इंसान है, कमिंग 3 साल में कभी भी मरेगा, ये ले रहे हैं टू कैलकुलेट एन्युइटी, दैट्स इट, नॉट फॉर द लमसम, अगर एक इंसान को हम लोग बोलें कि विमेन इज गेटिंग द एन्युइटी एट इन ईयर 5, इसका क्या मतलब है, दैट द मेल हैज डाइड, कभी भी मरे फर्क नहीं पड़ता, इस साल मरे, पहले साल मरे, कभी भी मरे, सो वी नीड 5q 35 मेल, 5 साल में कभी भी मरे, इनटू फीमेल शुड बी अलाइव 5p 30, क्लियर, ठीक है, तो ये वाला निकाल लो, दिस इज व्हाट, ये कैसे निकालेंगे, पहले वाला क्या होगा, पहले वाला सिंपली आपका ये होगा 0p 35 है ना, ये 1p, दिस इज योर t, तो 0p 35 इज 0p 35 इज 1 इंटू दिस, ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, हाँ नेक्स्ट वाला क्या होगा, दिस इंटू दिस, देख लो है कि नहीं, यही तो होगा, अभी हम लिख रहे हैं 1p 35 विच इज दिस q 36 विच इज दिस, ठीक है, यहां लिख दो दिस इज बेसिकली t, ठीक है, ये जो है आपका रो कॉलम ये आपका t है, ऑल राइट, ये ऑब्वियसली नीचे वाला सारा जीरो आ रहा है, ये क्यों जीरो हो रहा है पता है, देखो ये लास्ट का 500 साल के लिए जीरो है, क्योंकि यहां आपका
हम लोग ने 860 तक लिया है ना, तो वो अपने आप जीरो हो जाएगा क्यू से मल्टीप्लाई होके. डिस्काउंटिंग फैक्टर इज वेरी सिंपल, 1 + 5% मेक इट एब्सोल्यूट. टू दी पार एट द एंड ऑफ द ईयर मिल रहा है, सो टू दी पार -1. देन वी हैव द ईपीवी ऑफ लमसम विच इज आपका 1 लाख. अच्छा मैंने इसको एब्सोल्यूट हाँ किया था. इनटू आपका प्रोबेबिलिटी, इनटू आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय योर दिस प्रोबेबिलिटी. ठीक है, इसको कर दो ड्रैग एंड देन जस्ट मेक श्योर दैट दिस इज द लास्ट वैल्यू दैट यू आर गेटिंग, दिस वन, नॉट 61. दिस इज रॉन्ग. इसका क्या मीनिंग है पता है? इसका मीनिंग है 25 t 35. आपका टी 26 है ना, टी 26 है. मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हो? आप बोलना चाह रहे हो कि 60 एंड 61 के बीच में डेथ बेनिफिट, विच इज रॉन्ग, विच इज नॉट पॉसिबल. सो जस्ट मेक श्योर यू रिमूव दिस, मेक इट जीरो. ठीक है, जस्ट मेक दिस जीरो. इसीलिए मैंने बोला था यहाँ आपने 59 तक ही लेते हैं बेटर रहेगा, एंड यहाँ आपने 59 तक ही लेते हैं बेटर रहेगा. वी डोंट नीड क्यू 60. 60 से 61 के बीच में क्या हो रहा है इज नॉट आर कंसर्न. एक बार देख लो, फिर खुद से करोगे तो क्लास में रिविजन हो जाएगा आप लोगों का, आपको घर जाके फिर से नहीं करना होगा. एंड देन वी हैव द एनुइटी विच इज अगेन वॉट 5000. इसको ले लो अपने एब्सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर. कौन सा करेंगे? एनुइटी कब मिल रहा है एक बार देखना. जब आपका लमसम पेमेंट मिल रहा है तभी, मतलब एंड ऑफ द ईयर ही हो गया. इसका मीनिंग मतलब एंड ऑफ द ईयर ही हो गया, स्टार्ट ऑफ द ईयर नहीं है. तो आप ले लोगे ये वाला डिस्काउंटिंग फैक्टर. नेक्स्ट आप क्या मल्टीप्लाई करोगे इससे कि लाइफ प्रोबेबिलिटी कि ये जिंदा है एंड ये मर चुका है. पहला साल के एंड में मिलने का मतलब पहला साल वो मर चुका है, दूसरे साल के एंड में मिलने का मतलब कभी भी पहला दो साल मरे फर्क नहीं पड़ता. मेल और फीमेल को जिंदा रखना है. ठीक है, दैट्स इट. जस्ट ड्रैग एंड गेट द आंसर. अगेन जस्ट मेक श्योर कि आपका कहाँ तक जाए, ये आपका यहीं तक जाए 59 तक. सो यू कैन जस्ट क्विकली रिमूव दिस रो, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग. 31 तक हमें नहीं लेना. ठीक है, अगेन इसका सम निकाल लेंगे इधर to get the answer. देख लो. हाँ
मैम एक बार लास्ट सेल वाला फॉर्मूला शो करिए ना। ये वाला ठीक हाँ ये वाला डिफरेंट है फॉर्मूला। मैम एक बार वो लास्ट वाले सेल का लास्ट वैल्यूज दिखाई ना। कौन सा ये आंसर? नहीं उसके ऊपर वाले वैल्यूज नहीं में मैच नहीं हो रहा। और ये मैच करो कि तुमने एज 59 लिया कि 60 लिया है। 59 तब फिर तो मैच होना चाहिए था। सॉल्यूशन खोल के एक बार चेक करो। मैम इज इट डन? नेक्स्ट करें, हो गया सबका? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। द कंपनी क्लियर है सबको? द कंपनी नाउ डिसाइडेड टू अलाउ फॉर एम्प्लॉइज हु लीव द कंपनी। दोज हु लीव आर डीम्ड टू हैव विड्रॉन फ्रॉम द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड एज सच देयर पॉलिसी इज कैंसल्ड एंड नो फर्दर बेनिफिट्स आर टेबल। द कंपनी हैज क्रिएटेड अ मल्टीपल डेक्रीमेंट टेबल बेस्ड ऑन मोर्टैलिटी एंड विड्रॉवल रेट्स एक्सपीरियंस इन इट्स ओन पोर्टफोलियो ओवर द लास्ट 20 ईयर्स। द टेबल फॉर मेल लाइव्स इज गिवन इन द आंसर शीट। बेसिकली क्या बोल रहे हैं, जो मोर्टैलिटी टेबल रेट्स ये सब बने, ये हमारे कंपनी के खुद के 20 ईयर्स के एक्सपीरियंस से हमने बनाया है।
एंड अब बोल रहे हैं कि जो एम्प्लॉई, अब जरूरी नहीं ना 25 ईयर्स तक इसी कंपनी में, वो अगर छोड़ देता है, सो नाउ इफ दे लीव द कंपनी, इट्स लाइक दे हैव विदड्रॉन फ्रॉम द पॉलिसी एंड देयर पॉलिसी इज कैंसल्ड एंड उनको कोई बेनिफिट्स और नहीं मिलेगा सिंस दे आर लीविंग द कंपनी. तो वो लमसम एनुइटी उनको कुछ नहीं मिलेगा. कैलकुलेट द इंडिपेंडेंट फोर्सेस ऑफ मोर्टैलिटी एंड विड्रॉल इम्प्लाइड बाई दिस मल्टीपल डेक्रीमेंट टेबल. यू मे अज्यूम दीज इंडिपेंडेंट फोर्सेज आर कॉन्स्टेंट ओवर द ईयर एंड डिफरेंट फोर्सेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर. तो हम लोग को देखो, जाओ इसमें शीट में, वन पार्ट टू में वी हैव, दे हैव गिवन अस विद द डी एल एक्स डी एक्स एंड डब्ल्यू एक्स. डब्ल्यू एक्स इज बेसिकली द विड्रॉल, विच इज नथिंग बट वॉट, विच इज नथिंग बट कि वो एम्प्लॉय कंपनी छोड़ा है. एंड हम लोग को अभी पूरा कंप्लीट करना है जो यहाँ पे कॉलम हेडिंग्स है. आप लोग क्विकली करो इसको कंप्लीट, दिस इज वेरी इजी. ए क्यू एक्स डी कैसे निकलता है? डी एक्स बाय एल एक्स. एल एक्स को फिक्स कर दें क्या? नहीं, फिक्स क्यों करना है, हर साल का निकालना है ना. ठीक है, इसको ले लेते हैं. ओके, नेक्स्ट डब्ल्यू के लिए भी सेम चीज. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट मेक द कॉलम एज एब्सोल्यूट. कॉलम क्यों कर रही हूँ मैं एब्सोल्यूट, समझ में आया? क्योंकि जब इसको राइट ड्रैग करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस बाय दिस अपने आप. नाउ अगेन इट्स ऑन यू, आप वापस से फॉर्मूला भी लिख सकते थे, फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, ए क्यू एक्स एक बार क्विकली मेरे को बताओ, फिर तुम लोग खत्म कर लेना. ए क्यू एक्स कैसे निकलता है? दोनों को ऐड कर दो यार. वन माइनस ए पी एक्स. ए पी एक्स भी तो निकालना पड़ेगा. ए पी एक्स ए क्यों करना है इतना डिफिकल्ट अप्रोच? हाँ करके देख, आंसर्स मैच हो रहे तो सही है. म्यू एक्स डी हाँ, ए क्यू एक्स डी बाय ए क्यू एक्स इंटू माइनस ऑफ लॉग ए पी एक्स. वेरी गुड. अब प्लीज मत पूछना कि कहाँ से आप फॉर्मूला ढूंढ के लाए हो. ए क्यू एक्स डिवाइडेड बाय ए क्यू कॉलम मैंने एब्सोल्यूट किया बिकॉज आई विल ड्रैग इट राइट, मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ लॉग ऑफ ए पी एक्स. एंड ए पी एक्स अगेन आई एम जस्ट मेकिंग द कॉलम एब्सोल्यूट सो दैट आई व्हेन आई ड्रैग राइट वो अपने आप मेरा कैलकुलेट करके दे दे. देख लो. कुछ गलत किया तुमने फिर. कितने मार्क्स का ये फ्री गिफ्ट? अब आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा. आई थिंक उस टाइम में थोड़ा इजी आया था पेपर. वर्थ ही नहीं है 10 मार्क्स का. तुम लोग खुद को ही फील हो रहा होगा कि वर्थ नहीं है. करो उसको खत्म फटाफट. नेक्स्ट करें, डन? यस लिखो चैट बॉक्स में क्विकली. चैट बॉक्स में यस लिखो क्विकली. ठीक
बोलो बोलो गाइस, नेक्स्ट में जाएं। द कंपनी विशेस टू एडजस्ट द मल्टीपल डेक्रीमेंट टेबल यूज इन पार्ट टू टू अलाउ फॉर द टेबल्स यूज इन पार्ट वन। कैलकुलेट द इंडिपेंडेंट फोर्सेस ऑफ मोर्टैलिटी फॉर अ मेल लाइफ। ये वाला क्वेश्चन जो है 22 क्वेश्चन, ये अगर तुम लोग बना दिया तो तुम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कंपीटिंग रिस्क वाले का, ठीक है। द कंपनी विशेस टू एडजस्ट द मल्टीपल डेक्रीमेंट टेबल टू अलाउ फॉर द टेबल्स यूज इन पार्ट वन। पार्ट वन में अपने क्या किए थे, क्या किए थे पार्ट वन में, बोलो। लमसम और एन्युटी। पार्ट टू में अपने क्या अलाउ किए, विड्रॉल्स के लिए। पार्ट वन में विड्रॉल्स था, नहीं था। अब हम लोग विड्रॉल्स को इंक्लूड करेंगे पार्ट वन में, समझ गए, वही करने बोल रहा है। क्या तुम लोग को समझ में आ रहा है कि तुम लोग खाली मेरा फॉलो कर रहा है? ठीक है। कैलकुलेट द इंडिपेंडेंट फोर्सेस ऑफ मोर्टैलिटी फॉर अ मेल लाइफ बिटवीन एजेस 35 and 60 इंक्लूसिव एज इंप्लाइड बाय द टेबल्स यूज्ड इन पार्ट वन। क्या निकालने बोला है, क्या निकालने बोला है, क्या निकालने बोला है, फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी निकालने बोला है। ठीक है, निकालो निकालो फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी।
एक बात समझ रहे हो, एक बात सुनो, दिमाग का बत्ती जलाओ थोड़ा सा। यहाँ पे क्या लिखा था, व्हाट इज द डिफरेंस, मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, व्हाट आर वी कैलकुलेटिंग ओवर हियर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस टेबल एंड दिस टेबल, बट क्या, बट व्हाट, ये है मेरे कंपनी का डेटा स्पेसिफिक टू माय कंपनी, कि भाई लास्ट 20 सालों में जिन्होंने विड्रॉ करा, फॉर दैट आई टुक आउट दिस टेबल, दिस डेटा इज फॉर द एंटायर नेशन, ठीक है, जो पूरा सारे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हमारे फॉलो कर रहे हैं, दिस इज द एक्चुअल क्यूएक्स ऑफ डेथ, एंड फ्रॉम हियर वी आर इनकॉर्पोरेटिंग द विड्रॉल रेट, सो क्यूएक्स यूज करोगे इसका, विड्रॉल रेट यूज करोगे इसका, एंड फिर इंडिपेंडेंट फोर्सेस ऑफ मोर्टेलिटी निकालोगे, समझा? तो इसीलिए ये वाला जो पार्ट लिखा हुआ था, मैंने इसको तभी हाईलाइट वापस से बोला था, लास्ट 20 इयर्स ऑफ डेटा पे हमने बनाया है। तो अब क्या करना है आप लोगों को, दे आर सो नाइस, दे मेक द एंटायर थिंग एंड गिव यू, ये आप खाली काम कर लो, ये आप खाली यहाँ से इफ यू वॉन्ट आप कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है, ये वाला पूरा आई थिंक कॉपी पेस्ट कर देते हैं, लिंक कर दो, वट एवर योर विश, मतलब दोनों से आई एम हैप्पी, ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक चीज करोगे नहीं दूसरे में मार्क्स नहीं मिलेगा, आप आइदर उसको लिंक कर दो या आप उसको कॉपी पेस्ट, आई विल प्रेफर कॉपी पेस्टिंग विच इज फाइन, ठीक है। अब ये आपका हो चुका है, अब देखो एक बार देख लो, ये बच्चों के से 1+1 2 नहीं है, तो आपको एज आपको स्टार्ट करना है, आपको पहले एज से मतलब नहीं है, मेल के लिए आप स्टार्ट करोगे 35 से, तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम एज 30, वी विल राइट ओवर हियर एज, कहाँ गया भाई, एज 35 फॉर द मेल, ठीक है, आप यहाँ से एज 35 से आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, एज लिखा, पॉलिसी ईयर लिखा, 1 से 30 तक जाएगा पॉलिसी ईयर, रिवाइज्ड क्यूएक्स, रिवाइज्ड क्यूएक्स कैसे निकलेगा, आपका रिवाइज्ड क्यूएक्स कौन सा है, दिस इज द क्यूएक्स विच वी यूज्ड ओवर हियर इन पार्ट 1 और बेस शीट व्हाटएवर, ठीक है, उससे आपको होता क्या, आप लोगों ने किया है ना थ्योरी में, आप लोग रेट्स निकालते हो, फिर आप लोग को सेकंड क्वेश्चन में बोलता है कि क्यूएक्स चेंज हो रहा है, इट्स इंक्रीजिंग बाय 80%, डिक्रीजिंग बाय 80%, व्हाटएवर दे से ना, एंड फिर अगेन सपोज आपने निकाला, आई थिंक यू हैव डन दिस, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जहाँ पे एज विड्रॉल है, रिटायरमेंट है, व्हाटएवर, फिर एक डेथ है और एक और है, 3 डेक्रीमेंट्स है, इल हेल्थ है, और उसमें फिर सेकंड क्वेश्चन में बोलते हैं कि खाली विड्रॉल या इल हेल्थ का चेंज हो रहा है, 80% से चेंज हो रहा है, वापस से नए रेट्स निकालो, इट्स सिमिलर, यहाँ आपके क्यू, यहाँ बंद नहीं करना है इंक्रीज द टेम्परेचर को, क्यूएक्स आपको चेंज करना है, तो आप रिवाइज क्यूएक्स कौन सा लोगे, शीट 1 या बेस वाला, ठीक है, रिवाइज म्यू एक्सडी कैसे निकालेंगे, क्यूएक्स दिया हुआ है तो 1 माइनस QX से आपका म्यू एक्स डी आ जाएगा, म्यू एक्स डब्ल्यू क्या हो जाएगा, जो हमें म्यू एक्स डब्ल्यू इधर दिया हुआ है, म्यू एक्स डब्ल्यू नहीं चेंज हो रहा, म्यू एक्स डब्ल्यू नहीं चेंज हो रहा, ओनली म्यू एक्स डी चेंज हो रहा है ना, तो म्यू एक्स डब्ल्यू आप यही वाला लोगे, म्यू एक्स डी आ गया, म्यू एक्स डब्ल्यू आ गया, अब आपको बाकी तो आप निकाल ही सकते हो, ईपीएक्स ही सब, चलो करो खुद से करो, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन इन थ्योरी, सेम, क्योंकि ये एक्सेल में है और क्योंकि हम लोग थोड़े स्लो हैं, हम लोग का दिमाग का बत्ती नहीं जलता, इसीलिए हमें नहीं समझ में आता, चलो स्टार्ट एकदम क्विकली 2 मिनट्स, क्या करने में एसी को इंक्रीज करने के लिए, गर्मी लग रहा है, कितना ड्रामा वहां से सीख ली, ये वाला कॉन्सेप्ट मेरे को एकदम पसंद है, कौन से था तुम लोगों को, स्प्लिट स्क्रीन वाले कौन से था, हटाओ ये सब मेथड, अपने जगह पे अपने घर पे करना, मैं क्लास में नहीं करेगा कोई,
भाई तुम लोग क्वेश्चन पेपर रीड करते ना आज, तो तुम लोग का एक-एक टर्म में 3-3 पेपर निकलता, पूरा टाइम क्वेश्चन पेपर का जरूरत नहीं है। पूरा स्क्रीन खोलो और ऐसे करो, छोटे से स्क्रीन में कुछ काम नहीं होता है। आई आई है, तुम लोग नहीं हो। चलो एज मैं स्टार्ट करूंगी 35 से ही। चलो कर लो 60 तक। इंक्लूसिव बोलने का मतलब ठीक है कर सकते हो, बट फिर ना एक काम करना, पॉलिसी खाली 25 लिखना। पॉलिसी और तुम्हारा नहीं इंक्रीज हो रहा है, वो 25 इयर्स का ही पॉलिसी है। इस 35 पे वो इंसान ले रहा है, 25 पे वो ले रहा है, 25 या 35, 35 पे ले रहा है, 60 पे खत्म हो रहा है, तो ये 26 मत कर देना प्लीज। ठीक है, रिवाइज्ड क्यूएक्स अपना लिंक कर दो अपने शीट, फर्स्ट शीट से या इस शीट से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं इसको ना फिल्वो कर देती हूँ, रुको तुम लोग करते रहो अपना, ठीक है इजी रहेगा। ये हो गया रिवाइज्ड क्यूएक्स अपना, रिवाइज न्यू एक्सडी क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस दिस, ये क्या हो गया, आई W क्या हो गया, दिस इज सेम एज दिस। ठीक है, फिर APX क्या होगा, एपीएक्स क्या होगा, नहीं तुम नहीं बोलोगी, तुम बोल, ठीक है माइनस दोनों को ऐड, ए क्यू एक्स इज 1 माइनस दिस। मा नाम क्या है, हाँ मा नाम क्या है, देवांश आज तुम सारे आंसर्स करेगा, ठीक है आज तुम्हारा टेस्ट है। रिवाइज ए क्यू एक्स डी 1 माइनस ए क्यू एक्स डी, म्यू बाय म्यू, कौन सा म्यू, तुम लोग क्यों जोर से बोल, रिवाइज म्यू एक्स डी, फिर ए, सही बोल रहे क्या ये, इसको ना जस्ट मेक द कॉलम एब्सोल्यूट सो दैट जब आप रिवाइज्ड ए डब्ल्यू एक्स निकालो तो इजी हो जाएगा, ए क्यू डब्ल्यू निकालो तो इजी हो जाएगा। ठीक है, सोचो मेरे को भी ये सब करना पड़ता है उन लोगों के साथ साथ। तुम लोग आंसर्स लिख लिख के मेरे को भेज दो, मेरे को नहीं करना पड़े। हाँ नहीं क्यों दिखाना है, एपीएक्स का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, कॉपी लाई हो, क्या होगा एपीएक्स का फॉर्मूला, अब से नोट्स कॉपी लेके आना, भूल गया, इसके आगे तुम लोग खुद से करो। ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डन, पार्ट बी एंड पार्ट सी करो रीड करके फटाफट, ऑल ऑफ यू डिस्कशन नहीं चाहिए क्लास के अंदर। Thank you.
चलो देवांश बोलो. नेक्स्ट इज कैलकुलेट द एडजस्टेड डिपेंडेंट रेट्स ऑफ मोर्टेलिटी. ये निकल गया हम लोग का समझ में आया ना तुम लोग को कि ये पार्ट हो चुका है. कैलकुलेट द एडजस्टेड डिपेंडेंट रेट्स ऑफ मोर्टेलिटी एंड विड्रॉल फॉर अ मेल लाइफ ओवर दिस एज रेंज बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड मोर्टेलिटी रेट्स इन पार्ट 3A एंड द विड्रॉल रेट्स इन पार्ट 2. फिर से रीड करो. ये भी निकल चुका तो हाँ ये एडजस्टेड डिपेंडेंट रेट्स हुआ. रेट्स मतलब AQX APX बोल रहे हैं. हाँ ये बोलो अब. डिटरमाइन द रिवाइज ईपीवी फॉर लमसम एंड मतलब वही सेम प्रोसेस करना है. अज्यूमिंग दैट द बेनिफिट इज पेड ओनली इफ द लाइफ डाइज वाइल एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. अब यहाँ बस एक एडिशन आ गया है. ये वाला पार्ट खाली एक एड ऑन है कि अगर वो एम्प्लॉय हम लोग का है कंपनी में एग्जिस्टिंग तो ही उसको पैसा मिलेगा वरना उसको पैसा नहीं मिलेगा. तो बोलो कैसे करेंगे. यहां तक वी हैव डन. यहां से वी विल स्टार्ट दैट प्रोबेबिलिटी लाइफ इज अलाइव एट EOY एंड ऑफ द ईयर. ये कैसे निकालेंगे. एपीएक्स हो गया दूसरा. बेसिकली आप ये वाला एपीएक्स यूज करोगे तो दिस आप ये वाला एपीएक्स क्योंकि इस एपीएक्स में क्या इंक्लूडेड है रिवाइज क्यूएक्स एंड डब्ल्यूएक्स भी इंक्लूडेड है. इसका क्या मतलब है कि लाइफ
जिंदा है एंड विड्रॉ भी नहीं किया, जिंदा है एंड विड्रॉ भी नहीं किया, ठीक है, क्लियर मैम? हाँ मैम, फिर हम वन माइनस रिवाइज ए क्यू एक्स डी माइनस रिवाइज ए क्यू एक्स डब्ल्यू नहीं कर सकते? वापस बोलो, वन माइनस रिवाइज ए क्यू एक्स डी माइनस रिवाइज ए क्यू एक्स डब्ल्यू, दैट इज नथिंग बट एपीएक्स ओनली। बट मैम सेकेंड ईयर से मैच नहीं हो रहा आंसर। क्यूमुलेटिव नहीं लिया ना तुमने, तुमने एक एक साल का निकाला खाली, जो तुम निकाल रहे हो विल मैच विद एपीएक्स वाला कॉलम, देखो क्यूमुलेटिव एपीएक्स निकालना है ना, 1P, 1AP35, 2AP35, 3AP35 वो निकाल रहे हैं हम इधर, समझा? यस मैम। नेक्स्ट, probability that the life dies in year, matlab ye to aapka simply 1 minus apx hai, na, probability of life, probability that the life dies hai, to ye aqx d hoga, d hoga, dies डी होगा, डाइज, ठीक है, और सेकेंड वाले में आप रखोगे कि प्रोबेबिलिटी वो जिंदा है, देख लो कौन सा जिंदा है और ना, जिंदा है और ना ही विड्रॉ किया, जिंदा है और ना ही विड्रॉ किया, अच्छा समझो पहले साल में एक बात समझो, एक बात यहाँ पे ध्यान दो, एज 35 पे मैंने पॉलिसी लिया, मैं कंपनी में हूँ, 35 से 36 के बीच में आई चेंज डाई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एंड इफ आई डाई तो मेरे को बेनिफिट तो मिलना ही है ना, तो इसीलिए वो बोला है लाइफ डाइज का पहला, और पहले साल में आप विड्रॉल कैसे लोगे, विड्रॉल तो आप एट द एंड ऑफ द ईयर कर रहे हो ना, तो इसीलिए, तो ये वाला हो गया लाइफ जिंदा है, विड्रॉ भी नहीं किया, मल्टीप्लाइड बाई ए क्यू एक्स डी, कि उस साल वो मतलब दिस इज फर्स्ट ईयर में वो जिंदा था प्लस विड्रॉ भी नहीं किया एंड सेकेंड ईयर में वो मर गया, ठीक है, नहीं समझा, समझ गया, सेम कर रहे हैं जो हमने वहां किया, वहां हमने पीएक्स लेके किया सिंपली, यहाँ एपीएक्स ले रहे हैं क्योंकि यहाँ विड्रॉल भी इंक्लूडेड है, दैट्स इट। नेक्स्ट हो गया डिस्काउंटिंग फैक्टर विच इज 1+5% तो मैंने इधर लिया नहीं है ना, उधर ही था, लेट मी जस्ट सिलेक्ट दिस 5% माइनस, ये लास्ट वाला प्लीज हटा देना, अच्छा नहीं आप लोग ये लास्ट यहां तक रख सकते हो, इसको हटा देना, ठीक है, दिस इज नॉट नीडेड। ईपीवी ऑफ लमसम निकालो, बोल क्यों करना है साथ में, स्प्रेड आउट योर वर्क, हर एक कॉलम का यू गेट 1 मार्क 2 मार्क्स, स्प्रेड आउट योर वर्क, क्या हुआ उसको भेज देना, मतलब उसको भेज दे सब डिटेल्स, हाँ, ईपीवी ऑफ लमसम, ईपीवी ऑफ लमसम हो गया आपका ये, एक सेकंड भाई, अच्छा इधर पे था ये 1 लाख, 1 लाख इनटू 1 लाख को वो कर देते हैं एब्सोल्यूट, इनटू लाइफ डाइज, देख लो
आंसर्स मैच करो एक बार। मैम वो भी लाइट आइज में या फिर सेकंड वाला। ये वाला तुम्हारा क्या है, ये वाला कैलकुलेशन, ये वाला का मतलब प्रोबेबिलिटी कि वो जिंदा है। तो ये तुम्हारा एपी टी माइनस वन एपी एक्स हो गया एक तरीके से। तो ये पहला साल का तो यही हो गया, और सेकेंड ईयर का तुम क्यूमुलेटिव करके निकाल रही हो। ठीक है, इसका मतलब है कि वो उस साल मरेगा। तो पहला साल मरने का सिंपल है ना, पहला साल मरने का सिंपल है। सेकंड साल मरने का क्या हो जाएगा कि पहला साल जिंदा रहा और सेकंड ईयर मर गया। फिर दूसरा इसका क्या होगा, पहला 2 साल जिंदा रहा, विच इज दिस दिस इज एक्चुअली टी माइनस वन ए पी एक्स, एंड देन उस साल मर गया। सेम है, जस्ट दैट आपका थोड़ा ये वाला चीज डिफरेंट है। हो गया, यस नो। चलो, सबका किसका अभी भी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कमेंट ऑन द डिफरेंसेस इन द रिजल्ट्स। तो
तो यहाँ हम लोग का क्या आ रहा है, देखो 3324, एंड इसके पहले वाले में हम लोग का आ रहा था आंसर 5-6. तो ऑब्वियसली रिडक्शन है. रिडक्शन क्यों है? एक और डेक्रीमेंट आप ले रहे हो विड्रॉल का, एंड आप बोल रहे हो कि जो विड्रॉ करेगा उसको कोई लमसम नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ चेंज. और बोलो क्या है? हाँ, ठीक है. क्यू एक्स चेंज हो रहा है क्या हम लोग का? इंडिपेंडेंट मोर्टैलिटी रेट चेंज हो रहा है? एज इन यहाँ का जो हम लोग का क्यू एक्स था पार्ट वन में, जो हम लोग ये वाला क्यू एक्स यूज किए, एंड पार्ट थ्री का इंडिपेंडेंट क्यू एक्स जो हम लोग ये वाला रिवाइज क्यू एक्स यूज किए, इसमें कोई चेंज है? तो फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी, या हम लोग बोले रेट ऑफ मोर्टैलिटी अगर बोले, वो चेंज नहीं हो रहा है, वो सेम है. बट एक नया ये सब चीज आप लोग लिखोगे तो क्या, जस्ट इट गिव्स अ वेटेज टू योर आंसर दैट द इंडिपेंडेंट रेट ऑफ मोर्टैलिटी इज नॉट चेंजिंग, इट इज सेम इन बोथ द पार्ट्स, इन योर पार्ट वन पार्ट वन एंड वन पार्ट थ्री, इट इज सेम. सो दिस इज नॉट द कॉज ऑफ कंसर्न, या दिस इज नॉट द कॉज ऑफ डिफरेंस. द डिफरेंस पॉइंट ओवर हियर इज हमने यहाँ पे एक नया डेक्रीमेंट यूज किया है, दैट इज इफ द एम्प्लॉय इज विड्रॉइंग, तो एम्प्लॉय विल बी डिसकंटिन्यूड फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड उसको आगे कोई भी लमसम नहीं मिलेगा, एंड हेंस वी सी अ रिडक्शन. तो इससे और क्या हो रहा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जिनको लमसम मिलेगा विल रिड्यूस, एंड हेंस द ईपीवी विल ऑल्सो गो डाउन, एंड वी आर ऑल्सो अज्यूमिंग, अगर आप देखो कि आपका जो इधर पे रेट था, अच्छा खासा रेट है, अच्छा खासा लोग विड्रॉ कर रहे हैं, है ना. अगर आप AQW देखो, यहाँ पहला साल वेडिंग में से, तो द रेट ऑफ विड्रॉल इज ऑल्सो हाई, द रेट ऑफ विड्रॉल इज ऑल्सो हाई, एंड सो वी कैन से दैट येस द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स विल ऑल्सो बी ह्यूज, बिकॉज नाउ देयर विल बी लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विल बी गेटिंग पेड. इसका आंसर रीड कर लो, इसका आंसर काफी शॉर्ट में लिखा है इन्होंने. आई विल एक्सपेक्ट कि आप लोग बड़ा बड़ा लिखो, बिकॉज जो इन्होंने लिखा है उसके अकॉर्डिंग तो आपको 6 मार्क्स नहीं मिलेगा. जस्ट फॉर द रेफरेंस यू कैन क्विकली सी द ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन था? टू का कोई लिंक नहीं होगा फिर, इसमें इन्होंने बना रखा है क्या? हाँ देखो ना, इन्होंने बना भी यही रखा है खाली. फाइनल आंसर, सो यू कैन जस्ट गो and page up page down wala feature agar aap use karne mein comfortable ho, so you can select, but I feel this you can do towards the end once you complete the entire paper. bhai main bolu end mein karna, dekho I am not sure ki is pe they don't marks to assign nahi hai, to nahi bhi karoge to I think chalega. बट अगर एंड में हल्का भी टाइम, बहुत कम जनों के पास ही बचता है तो कर दो, क्या दिक्कत है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन क्विकली. हाँ,
अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक एन इन्वेस्टर हैज अ चॉइस बिटवीन टू प्रोजेक्ट्स, टू प्रोजेक्ट अप्रेजल का क्वेश्चन आ गया एंड बिलीव्स दैट आरडीआर इज 10%। प्रोजेक्ट ए दिया हुआ है, आउटगो फॉर प्रोजेक्ट ए इज एज फॉलोज, 5 लाख ऑन 1st जनवरी, 3 लाख ऑन 1st अप्रैल, income is received continuously from 1st July 2018. The income starts at 5 lakh per annum for the first year and decreases by 20,000 every year on 1st July. Construct a half yearly, ye catch tha is question mein, jahan students ko difficulty hua, ki half yearly concept aa gaya tha. ठीक है, कैश फ्लोज हाफ ईयरली नहीं है बट आपको निकालना हाफ ईयरली है, आपको टेबल हाफ ईयरली बनाना है बट कैश फ्लोज आर नॉट हैपनिंग हाफ ईयरली। तो यहाँ पे ही सब स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर टर्म में डिफिकल्टी आया, सम वर एबल टू मैनेज, सम वर नॉट एबल टू मैनेज, सो नहीं उनको उतना मार्क्स मिल पाया जो भी, एंड सम कम्प्लीटली चेंज्ड द फॉर्मेट एंड जैसे है वैसे कर दिया, हाफ ईयरली को कंसिडर ही नहीं किया। तो ये एक क्वेश्चन है जो मैं लेना चाहती हूँ। सबसे पहले आपका टेबल देखो हाफ ईयरली का बनाया हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स आस्क दैट मैम कैन आई चेंज द फॉर्मेट ऑफ द टेबल, यू कैन डू इट बट इफ इन द क्वेश्चन ओनली दे हैव सेड हाफ ईयरली, हाउ कैन यू चेंज दिस? आप कॉलम हेडिंग्स चेंज करो, कोई इशू नहीं है बट आपको हाफ ईयरली ही निकालना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स ने इस टर्म में, कुछ स्टूडेंट्स ने हाफ ईयरली हटाई दिया, ये टेबल पूरा डिलीट कर दिया, उन्होंने जैसा कैश फ्लोज है वैसा बना दिया, विच इज रॉन्ग क्योंकि क्वेश्चन में हाफ ईयरली बोला, अगर नहीं बोलता तो वो अलग चीज है। ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंशन बोर्ड नहीं है क्या? नहीं ये नहीं, एक्सटेंशन बोर्ड में ले, रुको मैं मंगवा देती हूँ। एक बार जाना, जाके बोलना एक्सटेंशन बोर्ड के लिए, या रूम 3 से या रूम 1 से उठा के ले। कैलकुलेट द अक्यूमुलेट, ये टूटा हुआ है, निकला हुआ है नीचे,
तो पीछे से आ जाएगा ना वो एक्सटेंशन बोर्ड, पीछे है आई गेस, तो एक और लग जाएगा है ना स्विच, एक लिया। कैलकुलेट द एक्युमुलेटेड प्रॉफिट फॉर प्रोजेक्ट ए एट 31st December। तो हम लोग का एक्युमुलेटेड प्रॉफिट निकालना है एंड प्रोजेक्ट मतलब अप्रेजल को पूरा शेड्यूल बनाना है कैश फ्लोज का, ठीक है। एक बार जस्ट टेक आउट 2 मिनट्स एंड ट्राई करो खुद से करने का, क्योंकि आप लोग को नहीं तो हैबिट हो जाएगा कि कोई बोल रहा है हमें करना है, वो खुद से करने वाला हैबिट नहीं बनेगा। इंडिविजुअली सोच के करो, आप लोग कर सकते हो, यू ऑल कैन डू इट, इट्स इजी। इनपुट्स इफ यू वांट यू कैन जस्ट टेक आई आरडीआर वाला जो अपना इनपुट है। आ जाओ, ये लगा दे उधर, उसको दे दो, वो लगा देगा। प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, टेक 2 मिनट्स एंड सॉल्व इट ऑन योर ओन।
डिस्कस नहीं करना है, ग्रुप वर्क नहीं चल रहा है इधर, समझ में आया? नो ग्रुप वर्क, वी हैव 40 मिनट्स टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन। चलो कॉस्ट वन क्या होगा? अब तुम लोग कोई नहीं बोलेगा, आज आदित्य 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 बोलेगा। आदित्य बोलो, पहला कॉस्ट क्या है जो जनवरी फर्स्ट को लग रहा है अपना, मतलब अपना प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट हो रहा है? जनवरी फर्स्ट 2018, 5 लाख, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो इनकर्ड एट टाइम एक्स ड्यूरिंग द हाफ ईयर, ये जो अपना लिखा है ये हम लोग को इससे मतलब नहीं है। इसका बेसिकली ये मतलब है कि पहला हाफ ईयर हम लोग हाफ ईयरली वर्क कर रहे हैं, तो या तो जब हम लोग हाफ ईयरली वर्क करते हैं कैसे होगा, देखो मेरा मैं लेट्स सपोज कंसल्ट कर रही हूँ एक कंपनी को, ठीक है, मतलब कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रही हूँ। द कंपनी सेइंग भाई कॉस्ट तो हमारा लग रहा है पूरे साल, आप मुझे हाफ ईयरली का डेटा दो, ठीक है ना। तो ईयर्स तो टाइम 0, 0.5, 1, 1.5 ऐसा उसको डेटा चाहिए। तो 0 एंड 0.5 के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ आई मे बी डिस्काउंटेड 2 टाइम 0 और मे बी अक्यूमुलेटेड 2 टाइम 0.5, फिर 0.5 एंड 1 के बीच में जो हुआ अक्यूमुलेटेड 2 1। दैट इज हाउ आई कैन गिव ना, दैट इज हाउ आई विल बी गिविंग द डेटा हाफ ईयरली, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग।
सो इनकर्ड एट टाइम एक्स एनी टाइम ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ईयर, वो यहाँ नहीं हो रहा है, ये टाइम जीरो पे ही हो रहा है. कॉस्ट टू अपना है 3 लाख्स. अब देखो इसका अपने को कंसिडर करना होगा सिंस दिस इज इनकर्ड एट टाइम एक्स ड्यूरिंग द हाफ ईयर. तो ये वाला कौन से टाइम पे हुआ है एग्जैक्टली? थर्ड मंथ पे हुआ है, थर्ड मंथ में. तो इन्होंने थोड़ा वियर्ड वे से लिखा है, बट ड्यूरिंग वन हाफ ईयर ये थर्ड मंथ में हुआ है. सो टाइम 3, अगर आप मंथ्स लिखो ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ईयर ये मंथ 3 में हुआ है, जनवरी फरवरी मार्च का एंड, तो टाइम 3 पे हुआ है. तुम 3/12 लिख दे, या बेटर टू बी दैट तुम 3/6 लिख दे मिडवे ऑफ द हाफ ईयर. ठीक है, डज नॉट मैटर, तुमको अकॉर्डिंगली डिस्काउंट करना है. ठीक है, अक्यूमुलेटेड कॉस्ट टू द एंड ऑफ द हाफ ईयर. अब ये दोनों जो है इसको मेरे को अक्यूमुलेट 0.5 पे लेके जाना है मेरे को, तो कैसे करेंगे बताना? 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर टू दी पार. वाई डोंट यू जस्ट कैलकुलेटेड दिस वे, 6 माइनस, सिंस हम लोग वो फॉर्मूला कर रहे हैं ना, पूरा फॉर्मूला लेके कर रहे हो, क्योंकि ये टेबल ये कॉलम है तो इस कॉलम को एकदम इग्नोर नहीं करेंगे. तुम लोग कर सकते हो 1/2, कोई इशू नहीं है, बट इसको इग्नोर नहीं करना है अपने को. तो ये हो गया डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, देख लो. प्लस एक बार देख लो फिर करना. दिस अगेन सेम थिंग, 1 प्लस 10%, मेक इट एब्सोल्यूट टू दी पार, यहाँ एक माइनस का साइन जाएगा, नहीं अक्यूमुलेट कर रहे हैं, फाइन. अगेन 6 माइनस दिस डिवाइडेड बाय 12, इसका क्या मतलब हुआ? 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 3. 3/12, 3/12 मतलब 3 महीना के लिए अक्यूमुलेशन. देख लो आंसर मैच करो. फिर से बोलो. बाद में करेंगे, अभी नहीं. हाँ फिर कैसे, क्यों मेहनत करना है इतना? अभी तो काम चल रहा है, तो तुमको इजी से तुम करो, मेरे को एक्स्ट्रा कर सकते हैं, वो सब कर सकते हो आप, बट मेरे को वो एडिशनल एफर्ट लगता है. आप सब कर सकते हो, कैन डू एनीथिंग. नजर रखो उस पे, तुम्हारे बगल में बिठाए हैं, देखो. नेक्स्ट, इनकम के लिए बोल रहे हैं रिसीव्ड कंटिन्यूअसली फ्रॉम 1 जुलाई 2018 ऑनवर्ड्स. ऑनलाइन स्टूडेंट्स डाउट है तो प्लीज हैंड रेज करके अनम्यूट करके बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है. द इनकम इज रिसीव्ड कंटिन्यूअसली फ्रॉम 1 जुलाई 2018. द इनकम स्टार्ट्स एट 5 लाख पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीजेस बाय 20,000 एवरी ईयर ऑन 1 जुलाई. कंस्ट्रक्ट, तो बेसिकली इनकम हम लोग का कंटिन्यूअसली कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो पहला आधा साल तो कुछ नहीं मिला, दूसरा आधा साल से स्टार्ट हो रहा है एंड कंटिन्यूअसली मिल रहा है, एंड इट स्टार्ट एट 5 लाख का रेट पर एनम. आधा साल का हो गया 2.5 लाख. ठीक है, एंड डिक्रीजेस बाय 20,000 एवरी ईयर, एवरी ईयरली डिक्रीज हो रहा है. तो बेसिकली अगर हम देखें, 20,000 पूरा साल का डिक्रीज है, तो 10,000 का डिक्रीज मानेंगे, मतलब 20,000 डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो 2,50,000 है पहला आधा साल, दूसरा आधा साल भी वही रहेगा 2,50,000, फिर नेक्स्ट जुलाई से चेंज होगा 2,40,000, 2,40,000, फिर 2,30,000, 2,30,000, वैसे कर करके. गॉट इट?
पूरा साल 5 लाख है, नेक्स्ट ईयर हो गया तेरा 4 लाख 80। वो तुम कर सकते हैं, बट डिवाइड बाय 2 कर दो, एक ही बात है, योर विश। ठीक है, तो रेट ऑफ एक बार देख लो फिर करना, रेट ऑफ इनकम इन हाफ ईयर, इन द फर्स्ट हाफ ईयर, एंड ये रेट ऑफ इनकम इन हाफ ऑफ ईयर जो है इसको अपने करते हैं, मतलब एक्चुअल अमाउंट लिखते हैं अपने इधर, तो अपने इधर लिखते हैं 5 लाख, इधर भी जाएगा अपना 5 लाख, फिर डिक्रीज दिखाना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें? सुनो ना, इसको हम लोग करेंगे डिवाइड बाय 2। एक बार के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ इनकम इन हाफ ऑफ ईयर। तुम लोग को 2 लाख 50 दिखाना है, तुम लोग वो भी दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं, बट वो डिक्रीज 20 का हो रहा है ना, तो वो दिखाने के लिए मैंने ऐसे लिखा है, एक बार के लिए, एक बार के लिए लिखा है। तुम लोग आगे जाके तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करोगे उसको, है ना? तो ये एनुअल फिगर है, बेसिकली एनुअल फिगर है। इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ये बताओ, पर तुमको फिर इंडिविजुअली करके करना होगा ना। नहीं नहीं वो नहीं, आई नीड अ फॉर्मूला, इंट फॉर्मूला यूज करो ना, इंटीजर वाला फॉर्मूला। हमेशा देखो ना 0.5, 1.5, 2.5 पे चेंज हो रहा है। एक बार ध्यान देना, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 50,000 माइनस इंटीजर ऑफ दिस, क्या होगा 0.5 का इंटीजर इंटू मैं 20,000 कर देती हूँ। अब समझो 50,000 नहीं सॉरी 5 लाख। अब नीचे जाएंगे अगर, तो इंटीजर ऑफ 1 कितना होता है, इंटीजर ऑफ 1 होता है 1, तो वो गलत हो जाएगा। तो इसको अगर ऊपर वाले को ले लें, आई हाय, इसको अगर मैं, मेरा ये कर्सर, हाँ, तो क्या होगा, पहला वाला 0, मतलब 5 लाख, दूसरे वाला भी 5 लाख, हाँ ठीक है, यहाँ पे भी माइनस 0.5 करके भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मतलब इंटीजर ऑफ दिस माइनस 0.5 ऐसे भी कर सकते हो। तो जब इसको ड्रैग करोगे, ध्यान देना क्या होगा, ये हो जाएगा इंटीजर ऑफ 1, नेक्स्ट वाला होगा इंटीजर ऑफ 1.5 विच इज 1, तो इसीलिए ऊपर वाला। तो अब तुम लोग का देखो ट्रेंड आ गया, तुम लोग 2 लाख 50 वाला केस करना था तो कर सकते थे, पूरा चीज ले लो डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ये पूरा होल थिंग डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो तुम लोग को हाफ पूरा थिंग डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो क्या होगा, हाफ ईयरली आ जाएगा ना सारा वैल्यूज। ये चीज क्लियर है कि नहीं, देख लो प्लीज, ये चीज क्लियर है कि नहीं? ठीक है, पहले वाला अमाउंट ले लो 0। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है अक्यूमुलेशन। अब ये पूरा है आपका थ्रू आउट द हाफ ईयर कंटिन्यूसली मिल रहा है, मतलब एस बार 0.5, क्योंकि आपको अक्यूमुलेशन कराना है। तो सुन लो पहले प्लीज, ये जो आपको अमाउंट है 5 लाख, ठीक है, 5 लाख आपको मिल रहा है पूरे साल, सो 2.5 लाख मिल रहा है पहला आधा साल, ठीक है। अब एक दिक्कत है, एस बार 0.5 यूज करोगे तो आपको एनुअल फिगर आगे यूज करना पड़ेगा, एस बार 0.5 मतलब आपको आगे एनुअल फिगर लगाना होगा। अगर आप एस बार 1 यूज करोगे जहां कैलकुलेटेड एट I2/2, देन यू कैन यूज 2.5 लाख, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? इफ यू कैलकुलेट एस बार 1 एट I2/2, मतलब आप 1 हाफ ईयरली का कंटिन्यूस वाला, तो आप उसमें 2.5 लाख यूज कर सकते हो। बट अगर आप एस बार 0.5 यूज कर रहे हो तो आपको आगे एनुअल लाना पड़ेगा 5 लाख। तो हम लोग स्ट्रेट अवे क्या करते हैं, हम लोग एस बार 0.5 यूज करते हैं, एस बार 0.5 कैसे निकलता है जल्दी बताओ, 1 + I 0.5 whole thing divided by L,
ठीक है। अब यहां हम लोग क्या एक बार देख लो, यहां हम लोग सिंपली अक्यूमुलेटेड टू द एंड ऑफ दैट हाफ ईयर, मतलब दिस मल्टीप्लाइड बाय ऑब्वियसली वाला जीरो हो जाएगा अपने आप दिस, ठीक है। ये आ गया, आई है एब्सोल्यूट नहीं करा, ठीक है। ये आ गया नेक्स्ट अक्यूमुलेटेड वैल्यू इन द हाफ ईयर ऑल द कैश फ्लोज, मतलब दे आर आस्किंग अस टू इंक्लूड द कॉस्ट एज वेल। सो दिस माइनस दिस, पहला साल ही तो है पूरा, पहला मतलब पहला 6 मंथ्स में ये है आपका अक्यूमुलेशन हो गया। अब नेक्स्ट टोटल अक्यूमुलेटेड वैल्यू टू डेट, मतलब ये आपका जो वैल्यू है ये 0.5 पे है, ये 0.5 पे है ना, पहला आधा साल का अक्यूमुलेशन 0.5। ये अब आपको लेके जाना है पूरा एंड, एंड इन्होंने कहाँ बना रखा है 19.5, मतलब बेसिकली 20 पे जाएगा, 20 पे जाएगा ना, 20 इयर्स का है। देखो ना 31 दिसंबर तो स्टार्ट आप कर रहे हो जनवरी 18, तो कितना इयर्स हुआ, 20 इयर्स हुआ ना। तो इसमें कैसे निकालेंगे, दिस इनटू 1 प्लस आई एब्सोल्यूट टू दी पार 19, 20 माइनस सिंपली ये ले लो ना 19.5 को एब्सोल्यूट कर दो माइनस 1 0, तो 19.5 इयर्स के लिए अक्यूमुलेट हो गया। 0.5 पे निकला है ना ये वैल्यू, तो ये आपको लेके जाना है 20 पे, तो 19.5 इयर्स के लिए अक्यूमुलेट कराना है ना, हो गया खत्म। इन्होंने अलग किया है, टू डेट लिखा है इन्होंने, मेरे हिसाब से वो इन्होंने वो किया है। हाँ सेकंड हाँ इन्होंने टोटल अक्यूमुलेटेड वैल्यू टू डेट लिखा है, टोटल वर्ड यूज किया इन्होंने, इसको हटाओ फिर। और क्या टोटल अक्यूमुलेटेड वैल्यू टू डेट का मतलब है कि 0.5 तक कितना अक्यूमुलेशन हो गया है। तुम लोगों ने वाई असाइनमेंट्स नहीं किया ना अभी तक, वाई असाइनमेंट का एक क्वेश्चन है, तो ये बोल रहा है कि 0.5 पे अभी तक रनिंग एनपीवी निकालते हैं ना, ये रनिंग एवी है अक्यूमुलेटेड वैल्यू, मतलब 0.5 तक आपका टोटल अक्यूमुलेशन ऑफ कैश फ्लोज, टाइम 1 पे टोटल अक्यूमुलेशन ऑफ कैश फ्लोज, टाइम 1.5 पे टोटल अक्यूमुलेशन ऑफ वैल्यूज एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे 0.5 पे तो ये एक बार देख लो, 0.5 पे तो यही हो जाएगा सिंपली, ठीक है। इसके बाद आपका क्या होगा, इसके बाद ये वाला जो ऊपर वाला वैल्यू है इसको अक्यूमुलेट कराएंगे आधा साल के लिए 1 प्लस आई, इसको कर दो F4 टू दी पावर 0.5 प्लस अपने ये वाला ले लेंगे इसको ड्रैग। सो इससे आंसर डायरेक्टली आ जाएगा आपका, इंडिविजुअली नहीं है ये, आपका फाइनल आंसर ऑफ अक्यूमुलेटेड वैल्यू है, चेक कर लो। इनकम ये वाला एक सेकेंड, हाँ ये वाला
मैं तुमको वो देखने है क्या फॉर्मूला? ये तो सेम है जैसे रनिंग एनपीवी में भी करते थे ना, ये वाला ऐड करते थे बस वहां पे डिस्काउंटिंग करते जाते थे, यहाँ अक्यूमुलेट कर रहे हो आप। आंसर मैच हुआ सबका? क्यों? मैम कौन सा? वाली तो सॉरी मैम किसका नहीं हुआ है? क्विकली रेज योर हैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सबका? किसका नहीं हुआ? रेज योर हैंड्स करो फटाफट। डन। नेक्स्ट
वही कर रहे हैं, उतना ही हो जा रहे हैं, 20 हो जा रहे हैं ना। 20 ओज नहीं आया ना, ये 19.5 वाला जो वैल्यू ही अक्यूमुलेट होके टाइम 20 पे तो आ रहे हैं। तुम अक्यूमुलेशन कर रहे हैं ना एवरी 6 मंथ्स का। तुम ये फर्स्ट क्या लिया इधर, जीरो पे क्या लिया? हाँ तो ये वाला तुम्हारा जुलाई आएगा ना। हाँ ये जुलाई आएगा ऑब्वियसली। हाँ तो तुम इधर जनवरी ही तो ले रहे हो ना पहला पेमेंट। पहला पेमेंट तो जनवरी में ही हो रहा है। नहीं समझा। हाँ पेपर प्रोजेक्ट बी द आउटगो फॉर प्रोजेक्ट बी इज ऑल पेड ऑन 1 जनवरी 2018। द प्रोजेक्ट इमीडिएटली स्टार्ट अर्निंग इनकम। द इनकम विल बी रिसीव्ड कंटिन्यूअसली एट एन इनिशियल रेट ऑफ 70,000 पर एनम। द इनकम विल इंक्रीज एट अ कंपाउंड रेट ऑफ 20% पर एनम। तो सारे आउटगो इसी टाइम पे हो रहे हैं। इनकम कंटिन्यूअसली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 70,000 पर एनम से इट इज स्टार्टिंग एंड इंक्रीजिंग बाय 20% एवरी 2 ईयर्स। तो यहाँ पे ना जो जो मैं बोल रही हूँ उसको हाईलाइट करो। 20% पर एनम लिखा है एंड एवरी 2 ईयर्स लिखा है विद द फर्स्ट इंक्रीज टेकिंग प्लेस ऑन 1 जनवरी 2020। ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ ईयरली कैश फ्लो शेड्यूल फॉर प्रोजेक्ट बी। ईयरली कैश फ्लो करना है यहाँ पे। कैलकुलेट ये इजियर है उससे, देखो मार्क्स भी कम है। कैलकुलेट द इनिशियल आउटगो फॉर प्रोजेक्ट बी सच दैट इट विल हैव द सेम अक्यूमुलेटेड वैल्यू एज प्रोजेक्ट ए। तो अक्यूमुलेटेड वैल्यू नहीं, आउटगो हम लोग को नहीं गिवन है। प्रोजेक्ट टू में अगर आप लोग आ जाओ तो प्रोजेक्ट बी में, तो यहाँ पे अक्यूमुलेशन हम लोग को नहीं दिया हुआ है, एज इन कॉस्ट हम लोग को नहीं दिया हुआ है। तो कॉस्ट एक बार के हम लोग कुछ भी अज्यूम करके आगे चलेंगे। ठीक है। एंड ये सब एक बार कुछ भी आप अज्यूम करोगे एंड रेट बाकी सब सेम है, आई भी सेम है। तो चलो स्टार्ट करो। आई कितना दिया हुआ है? 10% है। कॉस्ट एक बार ले लो, जस्ट अज्यूम एनीथिंग लाइक जस्ट कंसिडर, आई डोंट नो व्हाई। करो हम लोग स्टार्ट करो। लेट्स अज्यूम इनका जो प्रोसेस है यू कैन यूज दैट। इनका कैलकुलेशन का जो है, मैं अपना खुद का एक बार करूँ तो लेट्स टेक जस्ट सिंपली 50,000 लेते हैं, कॉस्ट कोई इशू नहीं है। ठीक है। उसके बाद है अक्यूमुलेशन ऑफ द कॉस्ट टू द एंड ऑफ द ईयर विच इज दिस मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई होल टू द पावर 1, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर बोल रहा है। ठीक है। तो सिंपली अपने कर देंगे, 2 पावर 1 का भी जरूरत नहीं था। उसके बाद रेट ऑफ इनकम, तो रेट ऑफ इनकम क्या है? पहला स्टार्टिंग इनकम अपना कितना स्टार्ट हो रहा है? 70,000 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद देखो वो इंक्रीज हो रहा है एवरी 2 ईयर्स। तो पहले अपने लिखेंगे इधर 70,000 एंड फिर से 70,000, ये वाला ही आ जाएगा। उसके बाद इट्स इंक्रीजिंग बाय 2% और 20%। पर 20% क्या लिखा हुआ था? पर एनम। अब पहला इंक्रीज जब इस ईयर में हो रहा है तो इसको अपने दिस बोलो कैसे करेंगे, दिस इनटू 1 प्लस 20% का मैंने सेल लिया नहीं है। यू ऑल कैन टेक अ सेल ऑफ दैट। एक सेकेंड इंक्रीज। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन रीड करो। फर्स्ट इंक्रीज कब हो रहा है? दिस इनटू, क्वेश्चन पेपर सामने खुला हुआ है फिर भी तुम लोग स्प्लिट कर रहे हो ना, स्प्लिट स्क्रीन।
क्यों सोचा अगर स्प्लिट स्क्रीन सामने दिख रहा है? मैंने तो एक बार रीड किया क्वेश्चन, इसीलिए मैं बोलती हूँ आप लोग स्प्लिट स्क्रीन में ना कहीं आप लोग का ध्यान नहीं रहता। आई डोंट नो हाउ इवन यू गाइस मैनेज, मेरे से तो नहीं हो पाए भाई। टू दी पार अगर स्क्वायर करोगे सिंपली, ठीक है चलो स्क्वायर करो, तो ये आपका जब हम ड्रैग करेंगे तो क्या होगा? इसको e6 कर दिया। देखो या तो तुम लोग इंटीजर फंक्शन यूज कर सकते हो या तो तुम लोग इक्वल्स टू इसको सिलेक्ट कर दो। तो अब मैंने यहाँ पे भी इक्वल्स टू ऊपर वाले को सिलेक्ट कर रखा है, तो इन चारों को सिलेक्ट करके अब हम अगर ट्रैक करें तो नहीं लिखा। अच्छा हाँ सॉरी 20%। तो अब अगर मैं इन चारों को सिलेक्ट करके ड्रैग करती हूँ तब आई थिंक आ जाएगा। नहीं क्यों नहीं आ रहा? आई गेस इन दोनों को सिलेक्ट करके खाली ड्रैग करते हैं। ये तो रेट है ना, कंटिन्यूअस पेमेंट वाला कंसिडर करेंगे ना, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। देखो व्हाट आई डिड इज यहाँ पे एक बार तुम लोग समझा, 20% पर एनम है। द वर्ड पर एनम इज वेरी, एक बार सुन लो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। द वर्ड पर एनम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं लिखा होता, सिर्फ लिखा होता 20% एवरी टू इयर्स, तो ये आंसर चेंज कैसे होता है? यहाँ पे आप टू दी पार टू नहीं करते, आप जस्ट 70,000 इंटू 1.2 करते, फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप 70,000 इंटू 1.2 का स्क्वायर करते। पर एनम मतलब ईयर ऑन ईयर 20% का ही इंक्रीज है, बट द फर्स्ट इंक्रीज हैपेंस ऑन 1st January 2020। तो जो फर्स्ट इंक्रीज है वो दो साल बाद हो रहा है, कितने का? 20% पर एनम का, तो इसीलिए 1.2 टू द पावर 2। एंड फिर सेकेंड इंक्रीज आपका हो रहा है 1st January 2022, तो अगेन दो साल का 20% का इंक्रीज कंसिडर करना होगा, इसीलिए जो ये वाला वैल्यू आया 1110800 इसका आप करोगे इनटू 1.2 टू द पावर 2, क्योंकि दो साल का इंक्रीज। अब यही अगर 20% पर एनम वर्ड नहीं होता तो सिंपली 1.2 करते और कुछ नहीं। सो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग एक काम कर सकते हो, आप लोगों ने आई थिंक ये किया है हमने इस टाइप का क्वेश्चन असाइनमेंट में, आप एक और कॉलम बना सकते हो इंक्रीज का कॉलम, ठीक है? एक कॉलम आप बना सकते हो इंसर्ट करके इंक्रीज का कॉलम, यहाँ पे आपका 00 रहेगा, यहाँ 22 रहेगा, एंड देन टू दी पार आप लोग, आई डोंट नो आप लोग को याद है कि नहीं, बट इस काइंड ऑफ हमने किया है। तो यहाँ पे आप इंटीजर फंक्शन आई थिंक यूज करके कैसे करेंगे दिस? दिस बाय टू, फिर 3/2 क्या होता है? प्लस वन करें, नॉट श्योर, नहीं प्लस वन तो नहीं होगा, इंटू वन इंटू टू, 3/2 कितना होता है? इंटू टू, एक बार करके देखें, टाइम माइनस वन होल, बाय टू करना होगा, पर उससे भी नहीं आएगा, पूरा का डिवाइड बाय टू करना होगा। वन आ रहे मतलब कुछ भी, मॉड भी यूज कर सकते थे।
मॉड फंक्शन भी माइनस करके डिवाइड बाय टू अपने आप कुछ कॉमा टू कर देते, तो क्या बोल रहे हैं, 2 माइनस 1 कितना हो रहा है, 1 1 बाई 2 इज 0.5, उसका 0 हो गया तो 0 इंटू, फिर 3 माइनस 1 इज 2 बाई 2 इज 1 1 इंटू 2, वैसे करके आ गया। अब यहाँ क्या कर सकते थे, सिंपली आप 70,000, मतलब जो ये प्रोसेस है, अगर ये प्रोसेस नहीं फॉलो करना है, 70,000 इंटू 1 प्लस 20% टू दी पार 10, ठीक है, ये कर दो। आई थिंक ये एब्सोल्यूट नहीं किया मैंने, ठीक है, सेम आंसर। अब ये हो गया, अब अक्यूमुलेटेड इनकम टू द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर, तो ये आपका रेट है, हम लोग को S-bar 1 निकालना पड़ेगा क्योंकि कंटिन्यूअस पेमेंट्स हो रहे हैं, तो आप S-bar 1 निकाल लो। चलो S-bar 1 क्या होगा, 1 प्लस i टू द पावर 1 माइनस 1। ठीक है, फिर निकालो अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज इन योर एट द एंड ऑफ द ईयर होगा, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, एट द एंड ऑफ द ऑफ ऑल कैश फ्लोज है, सो जस्ट दिस माइनस यू डू दिस इनकम आउटगो मतलब, एंड यू ड्रैग, ठीक है, ऑफ ऑल कैश फ्लोज टू दैट डेट। तो पहला वाला देख लो एक बार, यही होगा, सेकेंड वाला दिस, इसको 1 साल अक्यूमुलेट कराएंगे, प्लस ये वाला। अब एक बार ध्यान दो, आपको क्या करना है, आपको इसको चेंज करना है टू, जो हम लोग का पहले वाला वैल्यू था अक्यूमुलेशन का, देख लो एक बार, मैं वापस से नहीं दिखाऊंगी, एवी ऑफ अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट ए क्या है, जाके मैं वहां से आई विल पिक अप द दिस थिंग, इन दोनों को माइनस कर देंगे, डिफरेंस कोई देख नहीं रहा, आई विल नॉट रिपीट, इसको 0 करना है गोल सीख से, व्हाट इफ बाय चेंजिंग इन कॉस्ट, एक बार चेक करो कॉस्ट ये आ रहा है सबका, ठीक है, सो करो कंप्लीट, बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला, बहुत ज्यादा इजी, इससे इजी नहीं आएगा, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इससे इजी, जस्ट लिख देना यहाँ पे यूजिंग, इसमें कमेंट डाल देना यूजिंग बोल सी कैसे है वो भी लिख देना, चलो करो कम।
क्या आ रहा है? सबका ही हो रहा है प्रॉब्लम। हाँ हाँ करो, हाँ करो, हाँ करो, करो। देखो आई, तुम लोग क्या मिस्टेक किया, तुम लोग यहाँ कहीं मिस्टेक किया क्या? ये इसमें देखो, एक सेकंड, तुम लोग किसको चेंज कर रहे हो? तुम लोग इस जीरो को कर रहे हो ना, इसको जीरो कर रहे हो, तब तो नहीं होना चाहिए। रुको एक एक करके देखो क्विकली, एस बार वन मैच करो, ये मैच करो। अच्छा हाँ ठीक है, तो ये मैच करो, ये वाला फॉर्मूला, इसका लास्ट वैल्यू मैच करो,
1863633.333, तो तुम्हारा ये गलत है। ये वैल्यू मैच करो, ये वैल्यू मैच करो, नहीं पूरा अच्छे से मैच करो, दो बार देख लो, तुम्हारा सब गलत है। देख देख तू इसका, हाँ तेरा लैपटॉप का है, ये वाला चलो जिसका नहीं आ रहा, आई विल सॉल्व इट। नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। द इन्वेस्टर डज नॉट हैव इनफ कैपिटल टू कवर द आउटगो। एक काम करो, नहीं तो यार तुम लोग हमेशा ना ऐसे मेरे को फंसा देते हो एकदम। अभी तक वी शुड हैव कंप्लीटेड दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकेंड, मेरा भी नहीं मैच हो रहा है क्या? मेरा तो मैच हो रहा है। एक बार ये कॉस्ट को एक बार यहाँ ध्यान दो, एक बार इसको जीरो करो तो, एक बार ये कॉस्ट को जीरो करो तो, और फिर मैच करो तो एक्युमुलेशन क्या आ रहा है, तब समझ आ जाएगा कि कहाँ मिस्टेक है। कॉस्ट को जीरो करके एक्युमुलेशन मैच करो, कितना आ रहा है? खुद से कल से बेटर फील हो रहा है? आज ऐसे डेली डेली बेटर फील होना चाहिए। हाँ बोल बोलो। तो जीरो नहीं, ये नहीं आ रहा, मैच नहीं हो रहा है जीरो करने से। हाँ तो तुम लोग का फिर, तुम लोग का गोल सीखने कोई इशू नहीं है, तुम लोग का ये सब, तुम लोग यहाँ ये देखो 4 4 6 6 8 8। हाँ एस बार वन सही है, तो ये तुम लोग क्या, ये इक्वल्स टू ये लिया है, आई है ये। एक सेकेंड, और ये वाला देखो, ये ऊपर वाला इनटू 1.10% 1+10% प्लस दिस, तो ये वाला भी तो रॉन्ग होगा फिर। थर्ड से गलत आने का मतलब तो यहाँ गई मिस्टेक है ना। ऐसा एरर फर्स्ट थिंग, बाकी सबका आया कि नहीं है, इसलिए को चैट बॉक्स में नहीं, नीचे ऊपर उससे मैच करो आंसर है उसका लैपटॉप सेम दिखते तुम लोग एकदम। हो गया नहीं है मैंने भी जीरो किया इसको, ये इसको एक साल अभी
इसको एक साल लगने को लेने बनना है कि इस इसको बार नहीं, इस पर मेरा तो नहीं और तो वर्क किया हमारा आएगा भी। अरे मैं वाला को एक्यूमुलेट किया, तुम सर को सर से पूछो। हां हम तो हां कल तुम क्या बोली मैम मैम अच्छी नहीं है और सर अच्छे हैं। हां ये बड़ा सर क्यूट है। नहीं तो मेरे मेरे लिए बोलना चाहिए मेरी क्लास से। अरे आप सर से पूछो, मेरे को पेपर ये और भी दोनों आते हैं, वो खाली पेपर ही आते हैं याद रखना। एग्जाम में मैम होती है एक पड़ेगा। हेलो तुम्हारा ये गलत क्या, ये तुम्हारा गलती जो है ना ये तुम खुद से अगर निकाल ली तो ठीक है, वरना तो तुम रजिस्टर कर दो एग्जाम के लिए। कंसिडर इट। मैम क्या किया, देखो आंख खोल के। ओह ओह मैम मेरा ठीक है, लेट्स टेक अ ब्रेक, वी विल स्टार्ट एट एग्जैक्ट 1:30 एंड हम लोग ये क्वेश्चन खत्म करके वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेपर। बाकी सबका मुझे बता देना, नहीं आएगा आई विल टेक इट अप। ठीक है चलो बाय बाय, हाफ एन आवर ब्रेक, लंच ब्रेक।